नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मील लगने के लिए मई महीना कैसा है? देखिए, थोड़ा पीछे जाते हैं कि 30 मार्च से 12 अप्रैल तक का जो टाइम, इट यू आर हैप्पी एट होम, घर पे बड़े आनंद में आपने गुजार दिया 30 मार्च से 12 अप्रैल। 13 अप्रैल से जो 27 अप्रैल जो टाइम है वो आपके बच्चे के लिए कोई ग्रोथ का गुड न्यूज का टाइम, 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आपका चक्कर उधर ही घूमने वाला है, संतान के स्थान में, कोई नई आइडिया के स्थान में, किसी से प्यार करने के लिए बेस्ट टाइम था 13 अप्रैल से 27 अप्रैल, किसी को प्रपोज करने के लिए। साल में अगर ढूंढा जाए सबसे बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं जब ये वीडियो मिलेगा आपको, और ये 27 अप्रैल के पहले ही मिल जाएगा, अगर कोई है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब 28 अप्रैल से 14 मई जो टाइम है आपके लिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव टाइम है, खर्च का टाइम है, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। 28 अप्रैल से 14 मई थोड़ा हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम, और 15 मई से लेके 2 जून तक का जो टाइम है आप छा जाएंगे चारों। इन शॉर्ट मैं इस महीने के लिए मैंने हेडिंग लिखा है, देखिए, विवाह योग है। इफ यू आर अनमैरिड दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड। अब बहुत समय से अगर अविवाहित है, ज्यादातर मैं देखता हूँ आप जैसे लोगों को दो दो घर होते हैं, आप लोगों के पास दो घर के स्वामी होते हैं, आप बीवी बहुत बजटिंग करने वाली मिलती है आपको, बीवी हो या हस्बैंड हो, आपके जो पति है वो बहुत कॉस्ट कॉन्शियस बहुत होता है, यानी कि बहुत पैसा फेंक देगा ऐसा नहीं, बहुत दान धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत बजटिंग करने वाला स्पाउस आप लोगों को मिलता है, वैवाहिक जीवन आप लोगों के लिए बहुत गड़बड़ वाला नहीं होता, कोऑपरेटिव स्पाउस होता है आपका। और इस महीने को वाहन योग इसके लिए लिखा है कि शुक्र उच्च का आपके लग्न में विराजमान हुआ है, ये मालवीय योग बना रहा है, चूने जमाने में बड़ा बड़ा माला वाला पहनते थे लोग, अमीर लोग, तो इस योग को लग्न का शुक्र है, यानी कि बहुत खुशियों का वातावरण है। गुरु और शुक्र की युति मतलब साधु संत के कुंडलियों में होती है, वैभवों के बीच भी जो साधु संत की तरह जीते हैं उनकी कुंडलियों में गुरु शुक्र का युति पाया जाता है। शुक्र मने शुक्र के ऊपर गुरु का कंट्रोल, यानी बहुत वैभव होगा, लेकिन ये वैभव भोगने की बात नहीं होती, वैभव वैभवशाली जगह पे ये रख देगा आपको इस महीने में। अगर आप बहुत लंबे समय से व्हीकल के लिए प्लान कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि मैं खरीद लूं व्हीकल, तो हो सकता है कि एक व्हीकल का योग बन रहा है, और शुक्र 27 अप्रैल से 22 मई तक आपके लग्न में है, ये आपको व्हीकल का योग भी बता रहा है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं बहुत लंबे समय से चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये संतान स्थान पर गुरु की आस्पेक्ट और ग्रैंड चिल्ड्रन, संतान से संतान स्थान पर गुरु की आस्पेक्ट भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इस साल आपका वजन भी बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए केयरफुल रहिएगा। तो इन शॉर्ट मैं ये महीना आपके लिए बहुत फैंटेसी वाला महीना समझता हूँ, बड़ा बढ़िया महीना समझता हूँ। 28 अप्रैल से 14 मई पैसा खर्चना पड़ेगा और हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। आपके मैटरनल अंकल, मामा या मौसी से कोई अच्छी उम्मीदें मिलेगी आपको 28 अप्रैल से 14 मई में। किसी से लोन मांगना हो तो ज्योतिष को अजमा के देखिएगा, अगर आपका मील लग्न है और 28 अप्रैल से 14 मई है ये टाइम आपके लिए लोन मांगने का टाइम, किसी से पैसा मांगोगे तो मिल जाएगा। कोर्ट कचहरी के केस में अगर आप उलझे हुए तो 28 अप्रैल से 14 मई को हाथ जोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये 28 अप्रैल से 14 मई आपको तनाव में डालेगा। अभी देखिए आपके ओवरऑल पिक्चर, कुंडली को देखिए, मैंने बोला गुरु शुक्र का युति लग्न में आया है, मतलब साधु संत की तरह वैभवों के बीच बड़ा सन्यासी जैसा वो देता है। अब सूर्य धन स्थान में है, परिवार का ईगो बहुत बड़ा होगा, परिवार के साथ हो सके तो ज्यादा उनके ईगो में पड़िएगा नहीं, कीप देयर ईगो केयरफुल अबाउट देयर ईगो। 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके धन स्थान में सूर्य उच्च का है लेकिन राहु साथ में, तो थोड़ा ईगो संभालिएगा उनका। आपका बोला हुआ देखिए, आपके राहु मुंह में आया है अभी, ये 1.5 साल तक आपके मुंह में रहेगा, 12 अप्रैल 2022 से 29 अक्टूबर 2023 तक, सेकेंड हाउस मुंह है, माउथ है आपका। आपका बोला हुआ कोई भी आदमी हर्ट हो सकता है, तो बड़ा तोल मोल के बोलिएगा जब आप बोलते हैं। अभी आने वाला 1.5 साल तक आपके लिए केयरफुल रहने का टाइम है, 28 अप्रैल से लेके मैंने जो बोला आपको 14 मई तक, हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना। आपका बोलना किसी को चुभ सकता है आपके परिवार में, सो कोई भी चीज हो ध्यान रखिएगा, परिवार के मामले में विष्णु सप्तम करते ही रहिएगा।
एवरी वेनसडे विष्णु सत्यनाम करिएगा और हर अमावस को विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। इस बार 30 मई को अमावस है, अमावस के दिन ये भूलिएगा नहीं। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं मैं, इन शॉर्ट ये साल बहुत अच्छा है, उसमें ये महीना भी बहुत अच्छा है। 14 दिन थोड़ा हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है, केयरफुल रहिएगा 10-11 को, ये 10-11 थोड़ा हेल्थ के लिए केयरफुल वाला ही टाइम हो सकता है, जुकाम सर्दी इसका कोई प्रॉब्लम हो जाए आपको 10-11 को। 14 और 15 मई थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे, हो सकता है आपके बोलने से हुआ हो या फैमिली के कोई तनाव में, आप 14 मई और 15 मई थोड़े तनाव में रहेंगे। और 22-23 विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम, हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपके समझ में आए कि किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया, हो सकता है आपके बच्चों के लिए खर्च हो जाए पैसे का, 22 और 23 को कुछ पैसा खर्च भी होगा। इन शॉर्ट ये महीना अच्छा है जॉबलेस लोगों के लिए, 15 मई से 2 जून मैं जो बोल रहा हूँ, आप टेम्पररी टाइमिंग लिफ्ट हो जाएंगे, हो सकता है आप जहां भी नौकरी करते हो काम धंधा करते हो वहां प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। 15 मई से 2 जून में आपके सम्मान में, अगर आप काम धंधा करते हैं तो, अगर इफ यू आर ए स्टूडेंट तो 15 मई से 2 जून में आपको सम्मान भी मिल सकता है, एक ये रिस्पेक्ट का समय है 15 मई से 2 जून, टेम्पररी आपको लगेगा कि आप बहुत लिफ्ट हो गए 15 मई से 2 जून। बिजनेस के लिए आई विल से यस बिकॉज लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन लग्न, कर्मस्थान का स्वामी आपके लग्न में है, बिजनेस के लिए एक बहुत अनुकूल समय से आप गुजर रहे। 12वां शनि है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के पहले थोड़ा कोशिश करिएगा उस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए, 12वां शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन ये अपने ही घर में तो ये लॉजिकल है कि बहुत नुकसानकारक नहीं होगा। हेल्थ के लिए देखिए मई 10 और 11 केयरफुल रहिए, 10 और 11 मैंने पहले ही बताया हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है ये साल, इफ यू आर ए स्टूडेंट, गुरु आपके 5th को देख रहा है 9th को देख रहा है तो बेस्ट टाइम है स्टूडेंट के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये पंचम जो मंगल है वो भी लग्न में आ रहा है आपका 17 मई से, मतलब वो भी आपको हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट टाइम साबित हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो गुरु का स्टोन पहनिएगा, गुरु का स्टोन थोड़ा महंगा आता है, गुरु का स्टोन का नाम है पील पुष्करा, येल्लो सफायर या टोपास बोलते हैं, इन शॉर्ट गौमूत्र जैसा वो पीला होता है, अगर आप गुरु का स्टोन पहनते हो तो हेल्पफुल होगा, बट महंगा है तो आप केले का जाड़ होता है बनाना ट्री, उसका रूट या मूल स्क्वायर टुकड़ा काट के गले में पहन सकते हो, एज गुड एज गुरु है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा पानी में हल्दी डाल दो नहाते हो तभी, थोड़ा सा टीस्पून नहीं थोड़ा सा, उसके लिए भी आपके लिए स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट टाइम है ही बेस्ट टाइम, और गुरु कृपा और भी आपके लिए अच्छा फेवर करेगा। प्यार करते हैं उनके लिए 13 मई बेस्ट है क्योंकि 13 मई को कन्या और मीन राशि में चंद्र शुक्र का अपोजिशन, 13 मई को ये 13 मई बड़ा रोमांटिक दिन साबित होगा आपके लिए, इट विल बी वेरी प्लीजिंग। बहुत देखिए गुरु शुक्र जैसा दोनों ग्रह शुभ ग्रह आपके लग्न में विराजमान है, 12वें स्थान में मंगल शनि का जाने दीजिएगा, अभी बेडरूम में थोड़े कुछ कॉन्ट्रोवर्सियां हैं, ये डेफिनेटली देखिए ये सूर्य मंगल के बीच में या सूर्य राहु, ये राहु मंगल के बीच में ये लग्न है जरूर लेकिन लग्न में शुभ ग्रह है, ये लोग इतना नुकसान नहीं कर सकेगा पाप कर्तव्य आपका। जो प्यार करते हैं उनके लिए 13 मई बेस्ट, विवाह का मौका 101% आएगा, और अनमेरिड है तो 15 मई से 2 जून में पहला बाउंस आएगा ही आएगा, 15 मई से 2 जून में पहला ऑफर आएगा इस साल का, बहुत समय से शायद ऑफर नहीं भी होगा आपके लिए, आपका पति या पत्नी अनजान लोगों से बोलना पसंद नहीं करेगा, आप उसको देखे आप ऑलरेडी मैरिड है तो आप ये समझ ही जाएंगे, अनजान लोगों से बोलना पसंद नहीं करेगा, एक बार पहचान हो जाए तो बाप रे बाप चुप करना बड़ा मुश्किल है आपके स्पाउस को, आपका स्पाउस उम्र में छोटा भी दिखता है, आपसे उम्र में छोटा भी दिखेगा और हमेशा बातें करता होगा, हमेशा टॉकेटिव बहुत होगा और अपनी बीमारी के बारे में ही चर्चा करना, खुद के दवा खुद पर ही इस्तेमाल करने की उसकी और एक आदत होगी। आपका वैवाहिक जीवन का मैंने बोला ऐसा अच्छा ही समय है। शेयर मार्केट के लिए आई विल से यस, गुरु आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, बहुत लॉन्ग विजन के लिए शेयर मार्केट आपके लिए साल बहुत पैसा देगा, देना चाहिए। देखिए अभी सूर्य राहु का ग्रहणी हो गए धन स्थान में, परिवार का ईगो संभालिएगा, ये वो टाइम है 14 अप्रैल से 14 मई में आपके परिवार का ईगो संभालना पड़ेगा आपको, गुरु की एस्पेक्ट 5th हाउस पर है। शेयर बाजार एक
ज्योतिष एक नोबल सब्जेक्ट है या पायस सब्जेक्ट है, पवित्र सब्जेक्ट है। जुआ है शेयर बाजार। शेयर बाजार अगर जो आप इन्वेस्टमेंट के तौर से करते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा है। शेयर बाजार के लिए या लॉटरी विनिंग के लिए अगर आप करते हैं, इसका यूज करने की कोशिश करते हैं ऐसे सब्जेक्ट को, तो कभी ना कभी धोखा खाता ही है, क्योंकि आप दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजी के सारे पहलू जान लेना बहुत आसान नहीं। सो अगर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर बाजार अच्छा समय आपके लिए गुजरेगा। इस महीने में 3 मई को अक्षय तृतीया है। देखिए बेस्ट चीज है, अभी अक्षय तृतीया का मतलब आप समझो। अक्षय तृतीया के दिन देखिए ये जो भी आप चीज खरीदते हैं उसका क्षय नहीं होगा। क्षय माने टुबरी का बेसिकली, टीबी को क्षय बोलते हैं, बीमारी को क्षय। क्षय माने धीरे 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 आदमी का दुबला पड़ जाना, यानी कोई भी चीज आप खरीदते हो धीरे 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 कम होते जाते। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन जो आप चीज खरीदते हो धीरे 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 ग्रो होता है, ग्रोथ होता है। तो हम लोग ज्यादातर घर प्रॉपर्टी व्हीकल वो सब खरीदना अक्षय तृतीया के दिन पसंद करते हैं। लॉजिकली इसका क्या तर्क है? देखिए अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भी उच्च राशि में विराजमान होता है, यानी कि सूर्य मेष राशि में विराजमान होता है 14 अप्रैल से 14 मई मेष राशि में, और चंद्र भी उच्च राशि में होता है। चंद्र उच्च राशि में कौन सी राशि में होता है? तो वृषभ राशि में, जहां 2 लिखा हुआ चंद्र। तो देखिए 3 मई को चंद्र उच्च का है और सूर्य भी उच्च का है, तो ये दिन अच्छा माना जाता है। इसके लिए इसका क्षय नहीं होता ये माना जाता है। दशहरा को हम इसलिए शुभ मुहूर्त मानते हैं क्योंकि हम राम को पूजने वाला ये देश है और रावण पर विजय प्राप्त किया दशहरा के दिन। इसके लिए दशहरा के दिन हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करने के लिए हमने दशहरा सिलेक्ट किया हुआ। एक है दिवाली, जो व्यापारी लोग का, जो व्यापारी लोग गुजराती व्यापारी लोग जो दिवाली को अपना नया साल से शुरुआत मानते हैं। तुला राशि में सूर्य, तुला राशि में चंद्र, यानी कि तुला है व्यापार की राशि। आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो वह व्यापार। व्यापार मतलब मोनोपोली करके चीटिंग करना, मतलब मैं पेट भर लूं और आप भूखे नंगे हो जाओ, वो व्यापार नहीं है। आप व्यापार के कौन से प्रिंसिपल अभी बदले हैं, बट तुला राशि का ये जजमेंट है कि आपको भी फायदा हो और उसको भी फायदा हो, वो तुला राशि है। तो तुला राशि में सूर्य और तुला राशि में चंद्र, इस दिन दिवाली और उस दिन का अमावस का दिन होते हुए भी व्यापारी लोग उस दिन को पूजा में यूज करते हैं वो दिन को, तो वो भी ज्योतिष की ही देन है। अगर ये शुभ दिन है समझो, मेष राशि में चंद्र का होना, सूर्य का होना और चंद्र का वृषभ राशि में होना, तो अशुभ दिन कौन सा? तो कन्या राशि में सूर्य और चंद्र की युति होती है। कन्या राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि ये बुध की राशि है। बुध राहु का पक्का दोस्त है। पक्का दोस्त मतलब राहु को जो भ्रम इल्यूजन चीटिंग निर्माण करना हो उसमें वो बुध की एक अच्छी खासी मदद लेता है, बोल के झूठ बोल के जो भ्रम फैलाने में राहु। इसके लिए राहु के लिए मिथुन और कन्या राशि बहुत सूटेबल, राहु के लिए मिथुन और कन्या राशि इसके लिए सूटेबल है। तो हम लोग कन्या राशि के दिन, कन्या राशि में सूर्य और कन्या राशि में चंद्र इस साल 25 सितंबर को आएगा। ये 25 सितंबर को सर्वपित्री अमावस, जनरली सर्वपित्री अमावस के दिन कन्या राशि में सूर्य और कन्या राशि में चंद्र होता है। आप देखें उसको, ज्योतिष बहुत बड़ी बहुत सारी चीजों में रास्ता दिखाने वाला चीज है। ईश्वर की दीप, ईश्वर की ज्योत है, ईश जो ज्योतिष ज्योति है ईश्वर की, वो आने अगर गॉड गिफ्टेड है तो ही वो रहेगा। और ये सब तर्क है उसकी, जो कोडिंग लैंग्वेज है डिकोडिंग उसको करना पड़ता है आपको आपके मेहनत से। 4 मई और 19 मई को चतुर्थी है। अगर आपका देखिए अभी मंगल भी 12 में, तो 4 मई 19 मई को तो बदल जाएगा मंगल, 17 मई को बदल रहा है। तो ये 4 मई के दिन अगर आपके बेडरूम में बहुत झगड़ा होता है आपके पति या पत्नी से, बहुत बड़ा खर्चा होता रहता, तो 4 मई और 19 मई को संकष्टी और 4 मई का सजेशन दिया मैंने विनायक चतुर्थी का। गणपति बापा के मंदिर में जाके गणेश जी का दर्शन करिएगा। 13 मई और 27 मई को प्रदोष है। प्रदोष माने जन्म का चंद्र अगर राहु के साथ है तो आदमी को पागल जैसा विचार आना ही है, कोई साउंड विचार नहीं आएगा। चंद्र के साथ शनि है तो दिनहीन विचार करते हैं वो लोग, मतलब कभी भी उनके चेहरे पर देखो तो बहुत दीनता होती है। चंद्र माने विचार और शनि माने पॉवर्टी, शनि माने पॉवर्टी या तो उसका उसका बहना रोकता है वो, यानी कि चंद्र को बहने नहीं देता वो चंद्र शनि। तो ये शनि का अगर चंद्र शनि का योग हो, चंद्र राहु का योग हो, चंद्र 6, 8, 12 में हो, 12वां चंद्र लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देता ऐसा है, तो 13 मई और 27 मई को प्रदोष का व्रत करिएगा। अगर आपका जन्म का चंद्र 6, 8 या 12 में, देखिए ये जो मैंने केयरफुल रहने का दिन बोला है, इस दिन अगर शिव मंदिर से होकर अगर जलाभिषेक करके जाते हो आप तो लगभग आपके टेंशन नहीं आएगा। जो मैंने जो बोला है वो पॉजिटिव हो सकेगा,
अमावस के दिन विष्णु सप्तम मैंने बोला करना ही है। शनि अभी 12वें स्थान में पैर रख रहा है आपके, स्वगुरु ये अपने ही घर में है। सो हम लोग जब शनि 12वें स्थान में आता है तो हम बोलते हैं कि मंडे से सैटरडे तक पीपल का कहीं भी पेड़ हो घर के पास, मंदिर के पास पीपल का झाड़ ज्यादातर होता है, पेड़ होता है, तो पेड़ के ऊपर पीपल के पानी चढ़ाने से शनि का पनौती आपको परेशान नहीं करेगा, शनि का पनौती परेशान नहीं करेगा, लक्ष्मी जी का आप पर कृपा रहेगा। संडे को पानी नहीं चढ़ाइएगा, शनिवार को, मंडे से शनिवार तो सोमवार से शनिवार तक रविवार को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार को अलक्ष्मी का वास होता है पीपल में दिन में, ऐसा बिलीफ ही है हमारा। सो मंडे टू सैटरडे पीपल के ऊपर पानी चढ़ाइएगा। इस महीने में 16 मई को खगरा चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा है, और ये समय है सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक, मतलब ये दिन का समय है, तो चांद दिखेगा नहीं तो ये ग्रहण दिखने वाला नहीं है इंडिया में, इंडिया में ग्रहण दिखने वाला नहीं है। अगर आप अगर मंत्र का सिद्धि करते हैं कोई भी, तो ऐसे दिनों का लोग इंतजार करते हैं, ग्रहण का इंतजार किया जाता है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो इसका इंतजार किया जाता है। तो ये दिन आप मंत्र सिद्ध करते हो तो उसका फायदा लीजिएगा, सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक उस मंत्र का जाप करिएगा, जो भी जिसको आप इष्ट मानते हो उसका जाप करिएगा। देखिए ये गज केसरी योग इस महीने के 5 मई 12 मई 18 मई 25 मई, जनरली ये दिन आपके लिए अच्छे साबित होंगे ही, क्योंकि गुरु लग्न में यहाँ यहाँ और यहाँ चंद्र हो और यहाँ चंद्र हो, महीने में चंद्र जहाँ वहाँ आ जाता है, जैसे ये 1 मई को मेष राशि से वो अपना सफर शुरू कर रहा है, तो ये धीरे 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 चंद्र महीने में वापस वहाँ आ जाता है, यानी कि ये 27 मई को वापस मेष में आ गया, तो लगभग 1 महीने में ये वापस वहाँ का वहीं आ जाता है। तो ये गज केसरी योग का ऐसा है कि जब चंद्र और गुरु साथ में हो या केंद्र में तभी गज केसरी योग बनता है, तो ये वो तारीख है। कई शौकीन हो तो नोट कर लीजिएगा, चंद्र गुरु का जिस तरह से योग बनता है इस तरह से चंद्र शनि का भी योग बनता है, चंद्र राहु का भी योग बनता है, यानी कि जो मानसिक तनाव में है वो लोग अमावस और पूर्णिमा के दिन ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनकी कुंडली में चंद्र राहु का योग है चंद्र शनि का योग है वो लोग डिस्टर्ब ज्यादा हो जाते हैं। तो विष्णु सहस्रनाम करना चाहिए 30 मई को, ऐसे लोगों को विष्णु सहस्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने से मेंटल रिलीफ मिलता है। इन शॉर्ट इस महीने में मैंने 28 अप्रैल से 14 मई आपको बोला है, इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे, थोड़ा खर्च होगा, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, मैटरनल अंकल से मदद मिल सकता है 28 अप्रैल से 14 मई और 15 मई से 2 जून एक ऐसा समय रहेगा आपके लिए, 15 मई से 2 जून ये टेम्पररी टाइमिंग आपको लिफ्ट करेगा, अनमेरिड होगा तो आपका विवाह होगा और एक व्हीकल का बंदोबस्त कर सकते हैं आपके बच्चे के लिए, बच्चों के बच्चे के लिए, अगर आप चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट ईयर, कुछ पूछने की जरूरत नहीं, अगर आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, नेचर विल हेल्प यू, कुदरत आपके बच्चे को हेल्प करेगा, क्योंकि अभी 5 साल आने वाला गुरु आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा, 1 2 3 4 5, दिस इज द बेस्ट टाइम। जनरली क्या होता है, देखिए 12वां गुरु है तो ट्रबल देके गया, खर्च करवाता है वो, एक्सपेंसिव करवाता है, अप्रैल नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक थोड़ा एक्सपेंसिव रहा, लेकिन ऐसे टाइम में मैं बहुत बार ये भी देखता हूँ कि घर के योग भी बन जाते हैं, नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 में आपने घर ले लिया हो ये भी हो सकता है, बट अभी आने वाला टाइम आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए, वो केयरफुल रहिएगा, दिस इज द नाउ हैप्पी टाइम। तो ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार कीजिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।